नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं सबके दिमाग में ये सवाल है कि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक आ चुका है पहला वेव आ चुका है अभी दूसरा वेव आ चुका है दिस, दूसरा वेव तो काफी भीषण है जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इंटरनली ऑल्सो पर एक्सटर्नली ऑल्सो एक्सटर्नल इन सेंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोविड नाइनटीन ने इंडियन फॉरन पॉलिसी को इंपैक्ट किया है मी टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ रादर स्पेकुलेटिव डिस्कशन यानी कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे चल के हो सकती है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले और आप देख सकते हो ये आर्टिकल था जिसको लिखा है हैप्पीमन जैकब ने तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हो अगर वो आपका ऑप्शन है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो यू कैन कोट हैपीम जैकब इन योर आंसर्स व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डिस्कशन फ्रॉम जनरल स्टडीज पर्स्पेक्टिव ऑल्सो जनरल स्टडीज में आपको जीएस पेपर टू में आई के सवाल आते हैं पोलिटिकल साइंस में तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल इट इज दूड फॉर द स्टूडेंट्स चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं यू विल गेट वेरी गुड फॉरवर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी राइट चलिए चर्चा शुरू करते हैं मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन दी आई राहुल साई ट्रिपल टू अगर आपको कोई डाउट है कोई सवाल है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर के साथ आप जस्ट जाइए स्टडी आई डॉट कॉम या फिर डाउनलोड करें हमारे आप गूगल प्ले स्टोर से टू तो नो मोर अबाउट दिस स्मार्ट कोर्स विच कंटेन्स बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस कंटेंट राइट चलिए बात करते हैं खबर के बारे में खबर क्या है रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में सेकेंड वेव आ चुका है और अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा देखें तो इंडिया में काफी ज्यादा केसेस आ रही है हर दिन अभी चार लाख के आसपास केसेस आ रही है चार हजार के आसपास डेथ्स हो रही है सो इंडिया इज राइट नाउ गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडेमिक सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग द कोविड थिंग ऑन इंडियन फॉरन पॉलिसी इंपैक्ट देखने से पहले मैंने जैसे आपको सवाल पूछा था शुरुआत में जस्ट पुट हियर ऑन द स्लाइड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं यूपीएससी सिविल में कुछ इस तरह के एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडेमिक इन जनरल और इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया को फोकस करने के लिए भी कह सकते हैं जैसे कि नेबरहुड को फोकस करके आप बताइए तो कुछ उदाहरण यहाँ पे आप दे सकते हो राइट तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपैक्ट रहा है इनफैक्ट अगर मैं कहूं इंपैक्ट के बारे में हम लोग एक पुराने वीडियो में भी थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर देख चुके हैं क्या है इंपैक्ट देखिए सेकेंड वेव की वजह से इंडिया ने अपनी सत्रह साल पुरानी जो पॉलिसी थी जो नीति थी जहां पे हम लोग फॉरेन एड एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको हम लोग एक्सेप्ट करने लगे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने उसको डिस्कस किया था अगर आपने इसको देखा नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम फॉरन पॉलिसी परसपेक्टिव ये नहीं बदला तो आपको नोट ये करना है कि इंडियन सरकार ने कहा है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह कहा था कि दिस इज नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फॉरन पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब दिस इज वन ऑफ एक्सेप्शन जहां पे हम लोगों ने फॉरेन एड एक्सेप्ट किया है आगे चल के ये हमारी नीति नहीं होगी राइट right? तो ये आपको ध्यान रखना है बट नन ये तो हुआ ही है अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या इंपैक्ट हो देखिए क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है आगे चल के सबसे पहली चीज इंडिया की जो पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट वी कैन से दट हैज गॉन फॉर अ टॉस एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन क्यों क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से इंडिया की रीजनल प्राइमसी डाउन हो गई अब रीजनल प्राइमसी मतलब पहले तो नेबरहुड में और एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी यानी कि इंडियन ओशन रीजन इंडो पैसिफिक रीजन जिसके बारे में तो थोड़ी देर में बात करेंगे यानी कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें देखिए पिछले ऑलमोस्ट दो दशकों से मैं कह सकता हूं कि कंटिन्यूसली इंडिया इज लूजिंग ग्राउंड टू चाइना अगर हम लोग इंडिया और इंडिया के नेबर्स की बात करें जी इंडिया के नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हैं इंडिया श्रीलंका हम कह सकते हैं इंडिया म्यांमार इंडिया भूटान बट उसी टाइम पे अगर हम लोग जक्सटापोज कर दे इंडिया को और चाइना को तो आप देख सकते हो कि चाइना ने काफी ज्यादा ग्राउंड गेन कर लिया कितना इन्वेस्टमेंट है चाइना का बांग्लादेश में इन कंपेरिजन टू इंडिया ह्यूज इन श्रीलंका अगेन ह्यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द नेबर्स इट इज वेरी वेरी ह्यूज अब कोविड के चलते और भी ज्यादा यह होगा कि जो साउथ एशियन स्टेट है वो चाइना के साथ बैंड वैगन करेंगे के पीछे चले जाएंगे और इंडिया की प्राइमसी कम होगी आगे चल के एटलीस्ट फॉर अ फ्यू अयर दैट इज श्योर अब इसके अलावा एक्सटेंडेड नेबरहुड की जब हम बात करते हैं तो प्राइमसी इन इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक रीजन दैट विल ऑल्सो गो फॉर अ टॉस फॉर फ्यूचर ईयर अब कैसे देखिए इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए कंटिन्यूसली बात कर रहा था इंडो पैसिफिक पैराडाइम की बात कर रहा था क्वारलेटल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और बाकी देश भी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स जापान और ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर पार्टन पार्सल है क्वाड के लेकिन जो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक आया हमारे देश में जिसने एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी ला दिया है इंडिया का पूरा फोकस अभी इस कोविड की लड़ाई के ऊपर लड़ा, लगा हुआ है तो हम लोग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करेंगे क्या मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे क्या अगर मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करेंगे मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे इंडियन ओशन रीजन में हमारे एफर्ट्स डबल नहीं करेंगे तो यहां पे कौन फिर से ग्राउंड मारेगा अगेन इट इज गोइंग टू बी चाइना हु इज गोइंग टू गेन मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस इसका मतलब यह है कि हम लोग इंडो पैसिफिक के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर नहीं कर पाएंगे चाइना धीरे धीरे ग्राउंड गेन करेगा और जो कॉड के लिए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे आगे चल के उसके ऊपर अनसर्टेनिटी जरूर आ जाएगी राइट सो दिस इज द दंड इंपैक्ट अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आत्मनिर्भर भारत की नाउ दिस इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एड और फॉरेन एड नाउ वी हैव टर्न फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू विश्व निर्भर भारत क्यों क्योंकि देखिए विद इन जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल एड 40 से ज्यादा कंट्रीज इंडिया की मदद करने के लिए आगे आए

इनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ सकता है कुछ इस तरह का इमेज बन सकता है आगे चल के इंडिया का अब इसके अलावा स्पेसिफिक कंट्री के बारे में अगर बात करूं किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है देखिए चाइना के बारे में बात करें अब क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइनीज ड्रैगन इज गोइंग टू पिप इंडियन एलिफेंट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर्स क्यों क्योंकि अगर कोविड नाइनटीन की हम लोग हैंडलिंग देखें कोविड नाइन्टीन की मैनेजमेंट देखिए चाइना हैज एक्चुअली है अब दो इस स्टेटमेंट के ऊपर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं सर आप किस बिना पे बता रहे हो बट इन जनरल आई एम कमेंटिंग दिस बिकॉज चाइना इज एन ओपेक स्टेट अब उनसे ट्रांसपेरेंसी uh, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट नन द लेस लुकिंग एट द इकोनॉमिक नंबर्स वट एवर वी कैन सी चाइना हैज कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक इम्पैक्ट एंड इंडिया इज स्टिल रीलिंग अंडर इट अब हम लोग जानते हैं कि पिछले साल इंडिया और चाइना का गलवान में क्लैश हुआ इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया राइट right? लेकिन अगर समझ लीजिए इस साल वही चीज रिपीट हुई गॉड फॉर बिट इट शुड नॉट हैपन बट इफ इट देन विल इंडिया गो फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच और विल इंडिया गो फॉर अ कंसिलेटरी अप्रोच टूवर्ड्स चाइना राइट तो इसका जवाब अगर आपको मिल चुका है किस तरह हमारी इंपैक्ट रहेगा इस साल यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बिग बिग चांस गोइंग इनटू फ्यूचर जो बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में है वो टिल्ट हो जाएगा चाइना की तरफ यानी कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी चाइना इज गोइंग टू गेन मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस नॉट जस्ट इन साउथ एशिया बट ऑल्सो इन इंडो पैसिफिक रीजन अब ये तो हो गई चाइना की बात इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ अगर 2014 से बात करें जब से मोदी सरकार आई है मोदी वन एंड ड्यूरिंग मोदी टू आल्सो वी हैव बीन मूविंग क्लोजर टू द वेस्ट क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स अब सवाल ये उठ जाएगा क्या यूनाइटेड स्टेट्स हमारा ट्रू पार्टनर है क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी ओनली वी रियलाइज हु आर ट्रू ट्रू पार्टनर्स फ्रेंड्स इनिशियली इन यूनाइटेड स्टेट्स क्या देखेगा, ये देखेगा कि कैन इंडिया कंपीट विद चाइना एट द ग्लोबल लेवल कैन इंडिया बिकम अ काउंटर टू दाइनीस बिकॉज चाइना इज राइट नाउ थ्रेटिंग अमेरिका और इंडिया एक ही काउंटर है साउथ एशियन रीजन में जो काउंटर कर सकता है चाइना को तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स को यह नहीं लगेगा कि इंडिया आगे चल के चाइना को चैलेंज कर सकता है कोई थ्रेट उनके लिए पोज कर सकता है या नहीं तो क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स आगे चल के इट इज गोइंग टू हेज इट्स बेट यानी कि इंडिया के ऊपर पूरा बेट नहीं करेंगे दे आर गोइंग टू हेज चाइना और इंडिया के बीच वो लोग एक बैलेंस जरूर मेंटेन करेंगे तो आने वाले दिनों में थैंक्स टू इंडिया क्या हो सकता है जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन खराब हो चुके थे वो शायद बेटर डेज देख सकते हैं आगे चल के क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलवेज फॉलोड वेरी वेरी प्रेगमेटिक पॉलिसी मतलब हम इंडिया की तरफ टिल्ड जरूर है इंडिया को वो नेचुरल एलाई ने पार्टनर कहता है लेकिन इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी यू डू नो की इकोनॉमिक्स पिप्स योर एलाइस एंड पार्टनर ऑल्सो मेनियर टाइप्स राइट सो आगे चलिए कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है राइट अब एट द इंटरनेशनल लेवल एट द डोमेस्टिक लेवल हम लोग बात करेंगे यानी कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा या नहीं क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का पेंडेमिक इंडिया में आया है सेकंड वेव इतना भीषण बन चुका है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ चुका है बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लग गया है इंडिया में एफडीआई इज ऑन अ डाउनफॉल राइट नाउ एफडीआई नहीं आ रहा है यानी कि इकोनॉमिक डाउनटर्न एफडीआई कम हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है अब इन सब चीजों के चलते हमारा फोकस किस पे रहेगा हमारा फोकस फॉरेन पॉलिसी पे रहेगा या फिर हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग अपनी आंतरिक डेवलपमेंट करें पहले क्वाइट ऑब्बियस है आंसर इसका कि वी विल फर्स्ट फोकस ऑन द डोमेस्टिक डेवलपमेंट राइट तो फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इस इंडिया इज गोइंग टू रिक्यूपरेट जैसे कि देखिए एक बार घाव होता है तो आपको उस घाव पर मरम लगाना है तो इंडिया के ऊपर अभी पिछले दो सालों से कोविड का घाव हुआ है तो इस घाव के ऊपर मरहम लगाने के लिए समय लगेगा एक से दो साल तीन साल पांच साल इसीलिए डोमेस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा इंटरनेशनल एरिना को थोड़ा सा हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं आगे चल के अब इसके साथ ही साथ जब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस होता है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं क्या होगा कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है 2022 में Kendra का इलेक्शन आ गया दो हजार चौबीस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कोविड के चलते भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉज फॉट वेरी वेरी फियर्सली नाउ इमेजिन इज गोइंग टू हैपन इन यूपी एंड इज गोइंग टू हैपन इन जनरल तो टेकिंग कंसिडरेशन डोमेस्टिक इकोनॉमिक सीनारियो एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सीनारियो हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के इंडिया वुड बी रादर प्री ऑक्यूपाइड इन डोमेस्टिक अफेयर्स रैदर देन ऑन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स इनोवेशन तो बहुत हद तक हम लोग ये कमेंट कर सकते कि इंडिया की तो कोविड strategic टू इंपैक्ट इंडिया extent टू sure। क्यों क्योंकि देखिए जब मैंने मदद ली है दूसरों से तो अब दूसरे मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे तो मैं उस क्रिटिसम को क्या कहूंगा नो no कहूंगा नहीं मैं कह नहीं सकता क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बिकॉज वी हैव सेड यस टू फॉरेन एड एंड इन प्रॉबेबल फ्यूचर द द सेम कंट्रीज हैव गिवन अस अस एड दे माइट क्रिटिसाइज फॉर हैंडलिंग ऑफ कोविड नाइनटीन सिचुएशन सो ओवरऑल इफ आई है सम एक्सटेंट इंडिया स्ट्रेटेजिक वुड बी इकोनॉमी इंडियस ऑप्शन वुड बी हैम्पर्ड फॉरेन पॉलिसी को लेते हुए इंडिया की जो फ्रीडम थी वो हैम्पर जरूर हो जाएगी उदाहरण के तौर पर जैसे चाइना के साथ उतना ज्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं रहेगा प्रॉबेबली पाकिस्तान के साथ भी उतना ज्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं रहेगा यानी कि एडवर्सरीज के साथ हमारा उतना ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर नहीं रह सकता है बहुत हद तक हम लोग कॉन्सिलियन के लिए जाएंगे अगले कुछ सालों के लिए पर इज स्पेक्यूलेशन अब ये तो हो गई नेगेटिव इंपैक्ट क्या इस कोविड नाइनटीन पैंडेमिक की वजह से कोई पॉजिटिव भी इंपैक्ट निकल सकता है देखिए अगर हम लोग बात करें कोई हम लोग यह लगा सकते हैं कि आगे चल के हम लोग पॉसिबली साउथ एशिया के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि देखिए वी हैव टू फोकस ऑन आर नेबरहुड सो वी एशिया सो देर वुड बी पॉसिबल रिज्युमनेशन ऑफ सार्क वन ऑफ दुकी लोकल लेवल पे रीजनल लेवल पर हमें लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ेंगी पहले सार्क को हम लोग रिज्युनेट करेंगे तो आगे चलकर प्रॉबेबली एक डेकेड में हम लोग और बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अब सार्क को रिजुनेट करेंगे तो हम लोग एक परस्पेक्टिव से देख सकते हैं कि रीजनल हेल्थ मल्टीलैटरलिज्म बढ़ सकता है इंडिया का क्योंकि जिस तरह से कोविड पैंडेमिक आया आगे अगर ऐसे कोई पैंडेमिक आए तो इसके लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए नॉट जस्ट इंडिया बट द रीजन इन एंड अराउंड ऑल्सो सो दीज आर सम ऑफ दी पॉजिटिव और ऑप्शन फॉर अस गोइंग इन टू फ्यूचर जिससे कि हम लोग रीस्टार्ट या फिर रीसेट कर सकते हैं हमारी फॉरन पॉलिसी ओविंग टू दिस कोविड नाइनटीन पैंडेमिक एंड इट्स एडवर्स इंपैक्ट that is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai